कि मतलब 7 ट्रिप कंप्लीट करूंगा, कितना वोटर ऐप पर गाइस 7 ट्रिप रोज कंप्लीट करूंगा, जिससे क्या होगा गाइस मालूम है। सो जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन में न्यू ज्वाइंट हुए तो उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपको ना ज्यादा से ज्यादा ना बस छोटे छोटे ट्रिप मारने, मीन्स लोकल ट्रिप ज्यादा मारो, क्योंकि सो फाइनली गाइस अभी एक ट्रिप आया था कोटर ऐप पर, तो इसका पिकअप लोकेशन है अंधेरी ईस्ट में, और ये ट्रिप का ड्रॉप लोकेशन देखो कहाँ पे, कांदिली ईस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं दोस्तों अभी सीधा इनके पिकअप लोकेशन। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब पे एक ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया के, स्वस्थ के, मस्त होगे। सो गाइस आज है मेरे चैलेंज का डे 28। सो आज के चैलेंज में ना गाइस मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे ड्राइवर जो भी इस फील्ड में नया है तो उनको है ना कहीं एक मोटिवेशनल एक बात शेयर करूंगा, जो कि वो बात है ना गाइस मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना गाइस क्या हो रहा है कि मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, प्लस जो मुझे सेटअप करना है ना फूड का, उसके साइड बाय साइड उसका भी पूरा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, इसलिए घर जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन अभी फूड का प्रिपरेशन करने के लिए ना गाइस अभी मैं थोड़ा टाइम लेने वाला, क्योंकि मुझे ना गाइस वो पूरा बिजनेस और वो पूरा सेटअप है ना पूरा एकदम सिस्टमेटिक पूरा करना है। मीन्स क्या होगा मालूम है कि मतलब पूरा सिस्टमेटिक पहले से चलूंगा ना, फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके वजह से। तो जितना हो सके थोड़ा प्रिपरेशन करूंगा वो फूड के लिए भी और अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए भी। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आप जैसे कि मैंने पूरा बता दिया कि जो नए ड्राइवर है उनको एक ऐसी बात शेयर करूंगा, जो कि वो बात मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हो जाते पोर्टर पे लॉगिन, क्योंकि अभी बज रहे 11, तो अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ गाइस पोर्टर ऐप पर। तो ये देखो तो अभी लॉगिन हो चुका हूँ पोर्टर ऐप पर, तो देखते हैं अभी कभी ट्रिप आएगा। तो जब भी आएगा आपको मैं पूरा ब्लॉग में बताऊंगा, इसलिए पूरा ब्लॉग एंड तक देखते रहो। सो करेक्ट 11 बजे अभी मुझे आ चुका पोर्टर ऐप पर ट्रिप, इसका पिकअप लोकेशन गोरेगांव में, इसका ड्रॉप लोकेशन अंधेरी ईस्ट में, और ये ट्रिप का अमाउंट गाइस है ना मैं क्या बोलूं ऑनलाइन रहेगा, मैं पक्का बोलता है, देखो क्या बोला था ऑनलाइन रहेगा गाइस। तो ये जो कस्टमर है ना इनका मैं बहुत बार ट्रिप मार चुका हूँ, तो अभी जाते सीधा इनके पिकअप लोकेशन। गर्मी ने अपना हालत खराब है, लेकिन आपण आपलं काम तर आपल्याला करायला लागणार आहे। सो फाइनली मटेरियल लोड करके अभी मैं निकल चुका अपने ड्रॉप लोकेशन जोगेश्वरी ईस्ट नटवर नगर में। सो गाइस गोरेगांव ईस्ट से मेरा ड्रॉप लोकेशन है 4.2 किलोमीटर का। सो ज्यादा इतना लंबा ट्रिप नहीं है, छोटा ही ट्रिप है, फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे ट्रिप क्यों मार रहा हूँ इसके पीछे ना गाइस बहुत बड़ी प्लानिंग है, जो कि आपको सैटरडे के ब्लॉग में पूरा मालूम पड़ जाएगा कि मेरी प्लानिंग क्या है पूरा एकदम। गाइस कल है ना मैं घर पे बैठ के कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, कौन से ट्रिप उठाना है, कौन से ट्रिप नहीं उठाना है, पूरा गाइस पूरा प्री प्लान करके पूरा रख दिया हूँ। इसलिए जितना हो सके आज है ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं कुछ बताऊंगा आपको, बस थोड़े टाइम में आपको पूरा बताऊंगा इसका पूरा प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मटेरियल पूरा अनलोड कर लेते हैं, स्टिकर का पूरा मटेरियल है, बहुत बार एक कस्टमर के ट्रिप में मार चुका हूँ, तो कस्टमर को मैंने बोला भी प्राइवेट भाड़ा दो, तो उन्होंने भाई पोर्टर ऐप के वॉलेट है ना उसमें 3,000-4,000 रुपये डाल के रखा है, तो पोर्टर ऐप से ही पूरा जो भी ये बिजनेस करते। सो जाने दो गाइस, अपने को बस ट्रिप आने से मतलब है बस। सो अभी ज्यादा इतना बोलता नहीं, अभी पहुंचते अपने ड्रॉप लोकेशन जोगेश्वरी ईस्ट नटवर नगर में। One hour later. So, hey guys, अभी दोपहर के लगभग 1:33 हो रहे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा मोरो साइड, क्योंकि सेकेंड ट्रिप मेरा कम्प्लीट हो चुका है। जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्रिप कम्प्लीट हुआ ना, फिर वहाँ से मुझे मेरा वहाँ से पिकअप लोकेशन था सेकेंड ट्रिप का जोगेश्वरी ईस्ट नटवर नगर से, और ये ट्रिप का मेरा सेकेंड ट्रिप का मेरा ड्रॉप लोकेशन था पवई हिरानंदानी गार्डन है ना, वहाँ पे अपना ड्रॉप लोकेशन था। तो अब तक अर्निंग इतना बढ़िया हुआ नहीं है, लेकिन तभी आपको मैं लास्ट में पूरा बता दूंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ मरोल, जैसे कि गाइस देखो तो अभी ज्यादा इतना दूर नहीं है मरोल MIDC, बस यहाँ से लगभग कुछ 2 किलोमीटर के अंदर मतलब नजदीक ही है। तो जाते हैं मरोल MIDC, वहां से फिर पोर्टर पर लॉगिन हो जाऊंगा। ये देखो अभी मैं ऑफलाइन हूँ पोर्टर पर, तो अभी यहाँ से इतना ट्रिप मिलता नहीं है ना, तो सोचा कि वहाँ पे जाके लॉगिन हो जाता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे रुकने का कुछ मतलब नहीं रहता। उकट का गर्मी में पूरा एकदम बोलते ना बेकार हालत पूरी हो जाती है गाड़ी में बैठे बैठे, तो अभी थोड़ा गाड़ी रनिंग रहेगा ना थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो आजू बाजू से गाइस पूरा हवा आता है, और पंखा भी फिलहाल अभी पूरा बंद कर दिया, क्योंकि बहुत मतलब बहुत गर्म हवा फेंकता है इसकी वजह से।
अभी थर्मोकोल लगाना यार, लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। टाइम मिल रहा है लेकिन मैं खुद भूल जा रहा हूँ, सोचो इतना अभी भुलक्कड़ बन गया हूँ मैं। सो अभी यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, अभी ये पूरा ब्रिज पकड़ता हूँ और सीधा निकल जाता हूँ मरोला MRTC, वहाँ से नजदीक गिरेगा इसके वजह से। तो चलो चलो भाई, राइट राइट। सो अभी आ चुका हाईवे पर और ये जो रोड जाता है ना, इधर ये वाला रोड जाता है आरे कॉलोनी का, ये देखो ये वाला रोड। तो अभी हाईवे पकड़ते और सिप्स का जो सिग्नल है ना, वहां से अपने को लेफ्ट मारना है, फिर वहां से ही सीधा मरोल निकल जाएंगे। या तो वहां पे ना गाइस इंडस्ट्रियल बहुत है, सो कहीं ना कहीं थोड़ा गाड़ी साइड में लगा के मस्त रुक जाऊंगा मरोल MRTC के पहले। तो देखते हैं वहां से अपने को कौन सा ट्रिप आता है। सो जो भी ट्रिप आएगा आपको मैं पूरा बताऊंगा ब्लॉग में, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस सीधा ट्रिप आने पर। सो फाइनली गाइस अभी एक ट्रिप आया था कोटर पर, तो इसका पिकअप लोकेशन है अंधेरी ईस्ट में और ये ट्रिप का ड्रॉप लोकेशन देखो कहाँ पे, कांदिली ईस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं दोस्तों अभी सीधा इनके पिकअप लोकेशन। तो फाइनली मटेरियल लोड करके अभी मैं निकल चुका अपने ड्रॉप लोकेशन कांदिली ईस्ट ठाकुर विलेज कॉम्प्लेक्स में। तो ये ट्रिप का मेरा ड्रॉप लोकेशन है 8.2 किलोमीटर का और ये ट्रिप का फेरोमोन भी बहुत सही है। सो जो कि आपको मैं लास्ट में पूरा बता दूंगा मेरा आज का अर्निंग कितना हुआ, तो उसमें पूरा मैं आपको टोटल ट्रिप के पूरा डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और है ना ये जो मटेरियल है ना इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बस थोड़ा महंगा मटेरियल है, जैसे कि आप साइड में फोटो देखो मटेरियल का। तो कस्टमर के पिकअप लोकेशन गया है ना, तो वहाँ पे ना गाइस कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था शूट वगैरह करना, क्योंकि पॉश एरिया था और कंपनी बहुत बड़ी थी इसकी वजह से। तो वहाँ पे से मैंने फोटो निकाला बस अपने सेफ एंड साइड के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि कुछ भी हो गाइस, आप मटेरियल जब भी लोड करते हो ना तो मटेरियल का फोटो वीटो निकाल के रखो, मतलब आप कहीं ना कहीं फंसने से अच्छा है ना कहीं ना कहीं आप बच जाओगे, क्योंकि कस्टमर कभी कभी झूठ भी बोलते हैं इसके वजह से, मैंने मटेरियल ऐसा रखा था ऐसा कैसे हो गया। इसलिए सेफ एंड साइड आप एक फोटो निकाल के रखो, मतलब मीन्स आप ड्रॉप लोकेशन के कस्टमर को आप बता सकते हो कि मैं देखो ये ऐसा था मटेरियल, सिर्फ देखो अभी का भी देखो ऐसा ही है, मेरे फोटो भी देख लो, ऐसा ऐसा बोलो। तो भाई कोई कोई रहता है शातिर दिमाग का, जो कि अपना ही माइंड यूज करके अपने को फंसाना चाहता है ड्राइवर लोग को, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफ एंड साइड एक फोटो निकाल के रखो बस। तो अभी तो मैं आ चुका हूँ जोगेश्वरी में, जस्ट अभी पहुंच जाऊंगा गोरेगांव से मलाड से सीधा कांदिवली। सो ज़्यादा इतना लंबा ड्रॉप लोकेशन नहीं है, फटाफट पहुंचते अपने ड्रॉप लोकेशन। और एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जो कि बहुत लोग को यूजफुल है, ठीक है। तो भाई कृपया करके ब्लॉग स्किप मत करो, पूरा एंड तक देखो, नहीं तो इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस अपने ड्रॉप लोकेशन और वहाँ पे जाके अपना ब्लॉग वापस कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइस ट्रिप हो चुका है कम्प्लीट। सो अभी मैं आ चुका अपने पार्किंग में। तो गाइस पार्किंग में अभी क्यों आया हूँ मैं आपको थोड़ी देर में पूरा बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सुबह बोला हूँ ना, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है वो बस फॉलो करो, वो गाइस मैं भी पूरा फॉलो करने वाला हूँ, मतलब शुक्रवार से फॉलो करूंगा, तो उसका ब्लॉग है ना गाइस सैटरडे को आएगा। सो गाइस देखो मैं रोज बोल रहा हूँ, आज नहीं मतलब पूरे नेक्स्ट ब्लॉग से, कि मतलब 7 ट्रिप कम्प्लीट करूँगा, कितना वोटर एप पर गाइस 7 ट्रिप रोज कम्प्लीट करूंगा। जिससे क्या होगा गाइस मालूम है, मेरा जो भी CNG वगैरह जाके प्लस गाड़ी का जो भी मेंटेनेंस पूरा निकल के कम से कम गाइस मुझे ना 1800-1900 रुपये आराम से बच जाएगा, या तो ऊपर भी बच सकता है। लेकिन ये 7 जो ट्रिप मैंने बोला ना, उसके सिंपल से कैलकुलेशन क्या है मालूम है गाइस, कि लोकल ट्रिप मारो। सो जो भी ट्रांसपोर्ट लाइन में न्यू ज्वाइंट हुए तो उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपको ना ज्यादा से ज्यादा ना बस छोटे छोटे ट्रिप मारने हैं, मीन्स लोकल ट्रिप ज्यादा मारो, क्योंकि पहले नॉलेज लो लोकल भाड़े कैसे होते हैं और कितना लिया जाता है पर किलोमीटर, प्लस लोकल जो अपना जितना भी इंडस्ट्रियल लाइन रहेगा ना उसका पूरा नॉलेज लो, कि मतलब ये इंडस्ट्री यहाँ पे है और दूसरी इंडस्ट्री कम से कम कुछ 2 किलोमीटर के अंदर है, ये सब पूरा आप लिख के लो। जिससे क्या होगा मान में आपको है ना, कोई दूसरा पूछेगा ना तो आप तुरंत उसको बता सकते हो, या तो अपने सेफ एंड साइड के लिए आप लिख के रखो, जिसमें आपको कभी भूल जाओगे ना तो आपको डायरी आप खोलोगे ना आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। वैसे गाइस मैंने पूरा ना अपने फोन में पूरा नोट करके रखा था कि विक्रोली में जाऊंगा तो ये इंडस्ट्री मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो कहीं ट्रिप ना आ जाए फिर मैं वहाँ चले जाता हूँ इंडस्ट्री, ये सब पूरा नॉलेज है ना गाइस, मैं पूरा खुद प्रोवाइड किया हूँ अपने खुद के लिए। क्योंकि क्या होता है गाइस मतलब मेरे को ये फील्ड में बताने वाला कोई नहीं था, सब यहाँ वहाँ मेरे को भगा देते थे, मतलब गाली वगैरह बहुत कुछ देते थे। लेकिन आज के टाइम में ना गाइस जो गाली देता ना वो गाइस आज मुझे ना रोज पूछता है, भाई चाय पिएगा क्या, ऐसा अभी पूरा वैल्यू पूरा बना के रखा हूँ खुद की।
वैसे गैस आप भी पूरा खुद का पूरा वैल्यू बना के रखो, जिसमें क्या होगा मन में आपको कहीं ना आपको किसी को भाई पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे गैस अभी मैं खुद है ना, मतलब इतना अभी ये लाइन में ना मतलब इम्प्रूवमेंट अपने खुद के अंदर कर चुका हूँ ना कि मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं कहीं भी जाऊंगा ना मैं ट्रिप वहां से लेके आ सकता हूँ। सो इतना मुझे गारंटी है कि मतलब मैं खाली हाथ तो रिटर्न नहीं आऊंगा। वैसे गाइस अभी मैं आज है ना सिर्फ 3 ट्रिप मार रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बताना था और जो मेरे फूड का जो नाम है ना वो सैटरडे के ब्लॉग में आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या नाम रखने वाला हूँ। तो बस बस आपको बस इतना ही बताना है कि मतलब वो नाम अच्छा है कि नहीं, या तो आप सजेस्ट करो। मतलब भगवान के ऊपर रिलेटेड नहीं है, भगवान से रिलेटेड एक भी नहीं, क्योंकि देखो मेरा इतना मानना है कि मतलब मेरा प्रोडक्ट कुछ भी खराब होना मेरे ऊपर ब्लेम आएगा चलेगा, लेकिन वो भगवान के नाम पे मैं करूँगा ना तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब बहुत लोग कमेंट करेंगे ना ये ऐसा ऐसा किचन ऐसा वैसा है, इसलिए तो जो हो सके भाई मेरा नाम खराब होगा ना मुझे कैसे वापस ऊपर लाना अपना नाम ये मुझे पता है, लेकिन मैं भगवान का नाम यूज़ करके पूरा जो भी सेटअप करूँगा ना उसका नाम वगैरह नहीं रखूँगा, जो भी है अपने देखेंगे कौन सा नाम रखूंगा। वैसे आप भी सजेस्ट कर देना, ठीक है। सो आज मैंने 3 ट्रिप मारा, तो 3 ट्रिप में मेरा अर्निंग देखो गाइस कितना हो चुका है, सिर्फ लोकल भाड़ा मारा। आज मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था आपको सिर्फ बताने के लिए, बाकी मेरा मन भी नहीं था ट्रिप मारने का, आज मेरा दूसरा काम था जो फूड का जो कर रहा ना उसका तो पूरा काम चल रहा है मेरा। तो 1174 मेरा आज का अर्निंग हो चुका है, और लॉग इन देखो कितना हो पोर्ट रैप पर, सिर्फ 4 hours 8 minutes सिर्फ लॉग इन हुआ पोर्ट रैप पर, और 3 ट्रिप मैंने सिर्फ मारा हूँ, बस 3 ट्रिप में गाइस इतना मेरा अर्निंग हो चुका है। तो 7 ट्रिप में देखो कितना अर्निंग होगा, बस इतना सिंपल से कैलकुलेशन करो, और लोकल ट्रिप ही मारूंगा, ज्यादा लंबा नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं। सो गाइस पूरा ना कैलकुलेट पूरा करके रखा हूँ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है पूरा का पूरा प्लानिंग पूरा करके रखा हूँ। सो अभी गाइस बहुत मतलब बहुत मजा आने वाला है, शुक्रवार के दिन ना गाइस पूरा आतंक मचा देंगे भाई पोर्टर ऐप पर। सो देखते हैं अभी ट्रिप आता है कि नहीं, ट्रिप बस आना चाहिए, ट्रिप आ गया ना गाइस देखो मैं कितना क्या का कितना अर्निंग करता हूँ, बस अभी सिर्फ देखते जाओ। पहले जितना अर्निंग करता ना वैसे उतना ही मेरा अर्निंग होगा, 3,000 या जितना हो सके, तो जो भी रहेगा आपको मैं पूरा ब्लॉग में बता दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए गाइस इतना, ब्लॉग अभी बस करते हैं। सो अभी घर जाना है और पूरा सेटअप भी कर रहे हैं, और जो फूड लाइसेंस का काम है उसके पास जाना है, वो पूरा डिटेल्स वगैरह पूरा उसको देना है एड्रेस वगैरह, और मैं पूरा चेक करने वाला हूँ क्योंकि फूड लाइसेंस में बहुत मतलब बहुत मगजमारी करनी पड़ती है इसकी वजह से, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, और थोड़ा फूड का जो है मेरा जो काम है ना उस पर भी ध्यान देना है ना, क्योंकि यहाँ वहाँ फिर आवन जावन गाइस मेरा भी लगे रहेगा घर पे, फिर वापस फिर फूड लाइसेंस वाले के पास, फिर जो स्विगी वाले उनसे मिलना, जोमेटो वाले उनसे मिलना, तो ये सब गाइस मेरा पूरा चालू रहेगा। सो इसलिए थोड़ा थोड़ा अर्निंग करके अभी घर जा रहा हूँ, बस अभी 2-3 दिन का ही है, बाकी पूरा अपना पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है। तो जो भी रहेगा जब भी कंप्लीट होगा आपको मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस अभी ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ, तो जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, चैनल पे नए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।